और अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन चले बैक, कमिंग बैक टू दैट लाहौर पॉइंट, आप लोग भी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो एंड में कह कीजिए, हम आपके कमेंट ले लेंगे। 6 के 6 मैच हारने के बाद कोई नहीं चांस अगर बनता भी अगर है? मुझे एक बात बताएं ना, आपने कोचिंग स्टाफ की बात की है, तो अगर ये लोग कोचिंग किसी कोचिज को अच्छे टॉप कोचिज को अगर नहीं लेना चाह रहे तो फिर ये नुकसान नहीं कर रहे क्या? क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि यार आपके बहुत देखो अच्छा मुझे एक बात बताएं, भाई, आपके पास कोई टॉप का बैटिंग कोच नहीं है, नहीं कोई। चलो बॉलिंग की बात करते हैं तो आकिब भाई हैं, लेकिन हाँ, आकिब वो जो भाई हनीफ है सुने वो मेरी कहाँ बात, पर है? मेरी बात मेरी हनीफ बात सुने, आकिब भाई हैं खराब ठीक बात है, में। सुने आकिब भाई। लेकिन आप हेड कोच रहो, आप ऐसे बॉलिंग कोच को लेके आओ जिसने रिसेंटली को क्रिकेट छोड़ी हो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि जी आपको क्रिकेट का आइडिया, बॉलिंग का आइडिया नहीं होगा या टीम मोहम्मद का नहीं अकरम होगा, 8-9 साल से क्वालिफाइड ठीक कोच हैं, बट ठीक है उमर गोल को फिर भी लेकर आया मैं यही वो। तो कह रहा हूँ, क्या मोहम्मद अकरम बॉलिंग नहीं की हुई, उससे ज्यादा समझते हैं ठीक गोल से है? ज्यादा क्या वो, T20 डेरेन सैमी नहीं खेला हुआ? बिल्कुल सब कुछ, एक हर चीज का एक एक जॉब होती है ना हर बिल्कुल चीज सर, की, प्रोफेशनल, यही तो तो प्रोफेशनल जॉब आप है। किसी प्योर बैट्समैन को लेके आ जाओ पहले, किसी प्योर बॉलर को लेके आ जाओ, आप हेड कोच आपने बनना बने, आप ज्यादा रिलैक्स होके बैठेंगे फिर, एग्जैक्टली, रोल डिफाइन कर दें आप। क्योंकि आपको पता है यार ये बैटिंग कोच है, ये और बॉलिंग आप कोच पूछेंगे है, तो ना कि फलाने मैच में कोई पिटा है तो बताओ मुझे भाई ये क्या है, या बिल्कुल अपने आप से पूछेंगे। बिल्कुल आके जावेद बोलेगा, आके जावेद तुम क्यों नहीं कर रहे कुछ? बिल्कुल, ये वजह है। तो आपको देखिए हाँ हो गया 2 साल आप जीते बगैर कोचिंग स्टाफ के, अच्छे कोचिंग स्टाफ के आप जीतते चले गए, बॉलिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, स्पिनर राशिद अच्छा था, लेकिन अब जो आपके ऊपर परेशानी आई है, अब आपको एक्सपीरियंस लोग ज़रूरी हैं और चाहिए आपको, अभी ले लो, ठीक है? अब ये लोग क्या, टीमों के बीच में लेते हैं। नहीं नहीं तो क्या करेंगे, 4 मैचों के लिए कौन थोड़ी आएगा? अब अब तो ये चार हाँ मैचेस में कौन सा, ये चारों के चारों में से जीत भी के नहीं बनना, एक हार के तो वैसे ही बाहर है, चारों चार के में भी जीतेंगे, रन रन रेट अगर भी मगर बेहतर, वगर नहीं पहली नहीं में। आ ही नहीं सकते अब तो ये इनको ज़रा सोचना पड़ेगा। अगर दूसरी टीम्स जो हैं, दूसरी टीम पाकिस्तान की नहीं, दुनिया में जितनी भी लीग्स होती हैं उनका जो कोचिंग डगआउट स्टाफ होता है ना, होता कोचिंग है, स्टाफ, वो बहुत स्ट्रांग होता है, उनका एक्सपीरियंस ह्यूज एक्सपीरियंस होता है, वो इसी वजह से भी होता है कि यार एक तो जाहिर सी बात आपको फाइनेंशियली भी रखने होते हैं सारे, यार सईद अजमल को आप रख ज़रा लेते, पैसा तगड़ा बनता है, उसके स्पिनर बाद स्पिनर उनसे अपने फ़ायदा होता है, टीम्स को फ़ायदा होता है। आपकी यंग स्पिनर्स हैं, कोई स्पिनर आपके पास नहीं था, आपको पता राशिद खान नहीं आ रहा, आपको स्पिन बॉलिंग कोच रखते यार।